थैंक यू अरुणाचल का हर इशू का जो सेटलमेंट है हम लोग मिलकर करेंगे कोई हर एक इशू इंपॉर्टेंट है हमारे सब लोग अपने अपने जगह ले लीजिए। और हमारे कालीनों से सम्मानित कालियों से कालीनों से सम्मानित कालियों से वो मंच पर आए और अभी मिले धन्यवाद। सभी अधिकारीगण और तीसरा भी ये इतिहास है कि जब वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो पहली बार बना तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इनके जो काम करने का तजुर्बा उनका जो काम करने का एक्सपीरियंस उनका पास में जो मेच्योरिटी है उसको देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी उनको संभालने के लिए दिया हुआ है नन अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कभी मेरा नाम भी सुना नहीं कोई लोग मेरा नाम भी ठीक से बोलने नहीं आता है वो भी बढ़ चढ़ करके मुझे आशीर्वाद दिया है इतने सालों से मैंने देखा है। जब इतना लोगों का समर्थन मिलता है तो आदमी का काम करने का तरीका में और आगे बढ़ने का क्षमता है उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में कैपिटल इंस्टीट्यूट एक बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहा है जिसने राज्य के लिए शिक्षा में एक नया मानक स्थापित किया। संस्थान के छात्रों ने हाल ही में APSSB परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है जिसमें उन्होंने अपनी असाधारण शैक्षणिक क्षमता और समर्पण का प्रदर्शन किया है। चलिए हम लोग स्टडी को लेके इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दिस इंस्टीट्यूशन उसको मेरी तरह मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा 90% रहता है ना। आप प्रीवियस में भी ऐसे था हम लोग का सीनियर लोग भी ऐसे था।
कैपिटल इंस्टीट्यूट की सफलता की कहानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के लिए पोषण वातावरण को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कैपिटल इंस्टीट्यूट के छात्रों और शिक्षकों को ढेर सारी बधाई। क्या आप अपने शैक्षणिक सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? कैपिटल इंस्टीट्यूट से जुड़े और उत्कृष्टता की यात्रा पर निकलें। कैपिटल इंस्टीट्यूट, जहां सपने उड़ान भरते हैं। कैपिटल इंस्टीट्यूट में आने के लिए बारापानी ब्रिज के सामने इंडसइंड बैंक के उल्टे तरफ में आइए और हमसे संपर्क करें। Among the tribals to represent as an law minister of the country, तो ये भी अपने आप में एक इतिहास है। तो इनका पॉलिटिकल जर्नी के लिए मैं ज्यादा डीपली नहीं बोलूंगा। अभी थोड़े पहले अपना ऑनरेबल जीसीम साहब ने भी बताया और दीपक नबम जी ने भी बताया कि सबसे पहले जो मोदी साहब का जो फर्स्ट गवर्नमेंट में एज एन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसमें उन्होंने एज होम अफेयर्स का मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में उन्होंने संभाला। तो होम मिनिस्ट्री में आप सबको पता है कि पूरे देश भर का जितने भी जो इश्यूज होता है, और अच्छा इश्यूज तो होता नहीं, जितने भी जो मतलब नेगेटिव इश्यूज, जहाँ भी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज, वो सारा चीज जो है वो होम मिनिस्ट्री में आता है। तो उस वक्त में यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हुआ करता था मोदी साहब का फर्स्ट गवर्नमेंट में। तो उस वक्त में एस किरण जी एमओएस के साथ साथ में उनके साथ में अच्छे से सहयोग करते हुए, तो बाद में वेरियस डिपार्टमेंट्स उन्होंने संभाला। और खास करके मैं तो मानता हूँ इनको कि जो उन्होंने यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो संभाला, तो उसमें देखिए कि पूरे देश भर में आज हम लोगों का देश भी इंटरनेशनल लेवल में, चाहे आप कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बोलिए, या चाहे आप एशियन गेम्स के बारे में बोलिए, या चाहे आप ओलंपिक्स के बारे में बोलिए, पहले देश का स्पोर्टिंग में इंटरनेशनल लेवल में क्या रैंकिंग था। और जब से मोदी साहब का सरकार आने के बाद, और उस वक्त में किरण जी एस मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स का जो पोर्टफोलियो संभाला, उसमें किरण जी ने बड़ा रिफॉर्म करते हुए एक्चुअली स्पोर्ट्स का बेनिफिट अपना स्पोर्ट्स का एसोसिएशन और अपना स्पोर्ट्स पर्सन, जो एथलीट जो लोग होता है स्पोर्ट्स पर्सन, उनको किस प्रकार से सहयोग सरकार के ओर से, केंद्र सरकार के ओर से किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म्स करते हुए, और साथ साथ सपोर्टेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वो एस खेल मंत्री था, तो खेलो इंडिया का लॉन्चिंग हुआ, हम फिट तो इंडिया फिट, इस प्रकार से बहुत सारा प्रोग्राम्स पूरे स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, पूरा यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का माध्यम से सभी लोगों को खेल का दुनिया से जुड़ाया और सभी लोगों को एक अवेयरनेस फैलाया कि वी शुड बी हेल्दी, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ खेल का माध्यम से आपको जोड़ना है। तो इनका टेन्योर में मैं मानता हूँ कि पूरे देश भर में स्पोर्ट्स में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को नया रूप से देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खेलो इंडिया के अंतर्गत में लगभग जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, सभी जगह में कुछ ना कुछ खेलो इंडिया का प्रोजेक्ट जो है कहीं सारा जगह में कम्प्लीट भी हो गया और कहीं डिस्ट्रिक्ट में अभी कॉम्प्लीशन वर्ज में भी है, बनके तैयार हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी खेल का काफी बेनिफिट हम लोगों को मिला है पिछले लगभग 9-10 वर्षों में। अभी अरुणाचल प्रदेश भी खेल के रूप में काफी हम लोग पिछड़े हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में सबसे लोएस्ट, कंट्री में भी सबसे लोएस्ट, मगर किरण जी का मदद के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश भी नेशनल लेवल में वी आर रैंकिंग नंबर 16 अभी, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में नंबर 12, और आने वाला दिनों में अभी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और भी अभी हम लोग आगे बढ़ के जाएंगे। सो ब्रॉडली अरुणाचल का जो इतिहास रहा है, आप सबको पता है कि अरुणाचल का जो जर्नी हुआ है, सबसे पहले अगर डेमोक्रेटिक वे से देखा जाए तो हम लोगों का जो नामकरण हुआ है 1972, जब हम लोग यूनियन टेरिटरी में था, और बाद में राज्य हम लोगों को फुल स्टेट हम लोगों को मिला है 1987 में। तो वहाँ से 1972 से लेके अभी तक का जो पॉलिटिकल जो जर्नी में देखने से, कि उस वक्त में राज्य में बहुत सारा मुख्यमंत्री भी बना, राज्य में बहुत सारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना, केंद्र में भी कई सारा पार्टी आया, कई सारा प्रधानमंत्री भी बना, मगर अभी केंद्र में खास करके नरेंद्र मोदी आने के बाद
और खास करके हम लोगों का सांसद के रूप में किरण जी को यहाँ से भेजने का बात कि देखिए अरुणाचल प्रदेश को हम लोगों को कितना बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिला है। अभी आज देखिए अरुणाचल प्रदेश जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ टेरेन इन द एंटायर कंट्री, नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। जो अभी मेन जो सिटीज में बैठने वाला दिल्ली मुंबई चेन्नई में वो लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही डिफिकल्ट है, वाकई में हैवी है डिफिकल्ट, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट तो अरुणाचल प्रदेश है। आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट तो कितना और भी डिफिकल्ट होगा। उसका बावजूद भी मोदी साहब के आशीर्वाद से और किरण जी का वहाँ पे अच्छे से कोऑर्डिनेशन के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश में देखिए डेवलपमेंट का पिछले 10 वर्षों में हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेके हम लोग जा पाया है। तो इसलिए आज सही एक प्लेटफॉर्म है, हम राज्य सरकार की ओर से अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता की ओर से सभी ट्राइब्स की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं पूरे धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि हमारे यहाँ के सांसद को उन्होंने तीसरी बार अपना कैबिनेट में शामिल करके और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार का मोदी 3.0 गवर्नमेंट ने भी इनको दिया गया। आज यहाँ कन्वेंशन सेंटर में आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं आप सब लोग जानेंगे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है, और वो भी इस जंक्चर में कि इस बार का मोदी 3.0 में हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वहां में अभी हम लोग क्योंकि फुल मेजोरिटी हम लोग आ नहीं पाया, कुछ अंकड़े से हम लोग पीछे छूट गया है, तो वहां में अभी एक कोएलिशन गवर्नमेंट एनडीए के रूप में चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जो भी पार्लियामेंट होता है वहां से लेके जितने भी ऑपोजिशन के जो लीडर्स है ऑपोजिशन के एमपीज है उनके साथ में भी मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स बैठ कर चर्चा करना, हर एक बिल्स के ऊपर में बैठ के उन लोगों को भी समझाना देश के हित में क्या होता है क्या नहीं होता है, उनको भी बैठ के वन टू वन जाके उनको कंडक्ट करना पड़ता है। सो मैं मानता हूँ कि ऐसे जंक्चर में जिनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स देता है वो अपना एक्सपीरियंस उसका कैपेसिटी को देख के ही दिया जाता है, और जिस आने वाला दिनों में मोदी साहब का साथ में आप लोग आप बैठकर और भी इस देश का उन्नति के लिए बहुत सारा निर्णय वहाँ पार्लियामेंट में तय होगा और जिसके लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सो इसी के साथ आज देखिए आज मोदी साहब का गवर्नमेंट में आज 3-3 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आज इटानगर में आया हुआ है। मैं तो सुबह से लेके अभी सबसे पहला तो अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर पावर और अर्बन डेवलपमेंट श्री मनोहर लाल खट्टर जी वो सुबह आया, पावर का भी मीटिंग हुआ, पावर में जितने भी जो है पावर इलेक्ट्रिकल हाइड्रो पावर है उसके बाद बहुत सारा स्टेजेस है उस सबका मीटिंग हुआ। सेकेंड मीटिंग फिर अर्बन डेवलपमेंट और म्यूनिसिपैलिटी का भी मीटिंग हुआ। अभी किरण जी का साथ में पीयूष गोयल जी आया हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वो कैरी करता है इंडस्ट्री रिलेटेड हो गया, और यहाँ पे अभी फिर उनके साथ में अभी 3 मीटिंग अभी एक मीटिंग तो पीयूष गोयल जी ले रहा है, दूसरा 2 मीटिंग में फिर हमको भी ज्वाइन करना है, और यूनियन मिनिस्टर किरण जी यहाँ में बैठा हुआ है तो किरण जी का डिपार्टमेंट का होपफुली हम लोग किरण जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फर्स्ट टाइम एज माइनॉरिटी अफेयर्स ग्रुप के हिसाब से पहली बार आया है तो डिपार्टमेंट का भी एक रिव्यू मीटिंग लेके जाने के लिए, तो आज तो समय नहीं मिलेगा और कल भी अपना बीजेपी का स्टेट एग्जीक्यूटिव है या तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का बाद में फिर हम लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे। तो मैसेजिंग ये है कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में आज यहाँ पे जितने भी जो सीनियर्स आप लोग जो बैठे हुए हैं आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में पहले एक ऐसे वक्त था कि दिल्ली से यूनियन मिनिस्टर्स का आना वो बहुत ही स्पेशल हुआ करता था, और अरुणाचल में तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। उस वक्त में जो कांग्रेस का जो सरकार चलता था तो यूनियन मिनिस्टर केवल नॉर्थ ईस्ट का नाम से केवल गुवाहाटी तक आता था, गुवाहाटी तक आके पूरा न्यूज चैनल में हेडलाइन हो जाता था, जितने भी जो अखबार है उसमें भी हेडलाइन हो जाता था कि फलाना फलाना यूनियन मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में आया। प्रैक्टिकली आया तो कहाँ तक आया, केवल गुवाहाटी तक आया। अभी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अभी कहाँ असम कहाँ अरुणाचल प्रदेश कहाँ नागालैंड कहाँ त्रिपुरा सिक्किम मिजोरम मेघालय, तो अभी का टाइम में देखिए 2014 के बाद में यूनियन मिनिस्टर्स कितने दफा यहाँ पे अभी विजिट हो रहा है आप कल्पना कीजिए। ये सब
पॉलिटिकली हम लोग पहले को भी नहीं देखा, ऐसे विटनेस भी नहीं किया। 2014 का बाद ही तो ये सब कुछ हुआ, और आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में, यही इसका रिजल्ट है। आज जैसे मैंने कहा कि किरण जी के अलावा दो यूनियन मिनिस्टर आया हुआ है, तो वो लोग अकेला नहीं आता, उनके साथ में अपना सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, CMD, सारा टीम को लेके वो लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर में डिस्कस करके, इश्यूज क्या है उसको भी एड्रेस करके, तब तो वो दिल्ली चला जाता है। इसी से तो ग्रास रूट लेवल में आपके जो मीटिंग होता है, तब तो ना जाके ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो यही एक मोदी जी का एक विजन है कि हमेशा वो कहते हैं कि ये देश तो भी डेवलप होगा जब अपना नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। तो पिछले 10 वर्षों से मोदी साहब का जो कोशिश रहा है और मोदी साहब का जो सपना को साकार करने के लिए किरण जी जैसे हम लोगों का एक सांसद उनके साथ में जो बैठ के कोऑर्डिनेशन करके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो MPs है, बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके जो डेवलपमेंट पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है, हम लोगों का काफ़ी किस्मत वाला है। तो हम सब लोग मिलकर इवन भगवान को भी हम लोग प्रे करना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए कि किरण जी का हेल्थ अच्छा हो, अपना PM साहब का हेल्थ अच्छा हो, अपना अरुणाचल प्रदेश को और भी हम सब मिलकर SP अरुणाचल के हिसाब से और भी ऊंचाई तक हम लोगों को लेके जाना है। एक चीज और इस बार मैं बताना चाहेगा कि इस बार का चुनाव अभी रिसेंटली जो कंप्लीट हुआ है 2024 का, तो मैंने जहाँ जहाँ पब्लिक मीटिंग्स अटेंड किया और जहाँ जहाँ हमारा ग्रुप का साथ में जो वेरियस पॉलिटिकल डेलीगेशन के साथ में जो मीटिंग हुआ, इंटरेक्शन हुआ, मैंने कहा कि देखो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस तो आएगा जाएगा, 5 साल में आते रहेगा, वो एक नया बात नहीं है हम लोगों के लिए। मगर मोदी साहब जैसे प्रधानमंत्री जो पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में अपना ही देशवासी दुख का बात है कि अपना ही देशवासी नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानता, अपना ही देशवासी अपना अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं जानता। आज मोदी जी का कारण से पूरे नॉर्थ ईस्ट छाया हुआ है देश भर में, डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा अभी इंडस्ट्री का भी, अभी इन्वेस्टमेंट का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो मैंने केवल इतना ही कहा कि देखिए पॉलिटिक्स तो आते रहेगा जाते रहेगा, मगर मोदी साहब जैसे एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर अभी जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, उस काम को देखते हुए हम सब लोग एकजुट होकर हम लोगों को किरण जी और तबीरगांव जी को यहाँ से इलेक्ट करके भेजना जरूरी है। तो इसलिए जनता ने भी अपील को सुना है, इसलिए आज इसी प्लेटफॉर्म से मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि 2024 में आप सभी ने हमारा अपील को सुन के दोबारा फिर किरण जी को यहाँ से भेजा। वहाँ में किरण जी वहाँ में बहुत पावरफुल मिनिस्टर भी बना है। अभी ये 5 साल का जो कार्य है, ऑलरेडी हमारा पार्टी का भी मैनिफेस्टो ऑलरेडी तैयार, हम लोग ने लॉन्च भी किया है। अभी 19 को यहाँ से अपना बजट सेशन भी आया हुआ है और केंद्र में शायद 23 को बजट भी पेश होगा। तो जो भी हो अरुणाचल का जो सपना है राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से, हम सब लोग मिलके इसको एक नया एक ऊंचाई तक हम लोग लेके जाएंगे। तो इतना कहते हुए एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की सभी जनता की ओर से किरण जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे DCM साहब ने जो कहा कि आप वहाँ में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, इस राज्य का पूरा एक एम्बेसडर के रूप में है वहाँ पे, जो भी आपने यहाँ में जो सेंट्रल रिलेटेड, मैक्सिमम तो पूरा सेंट्रल के ऊपर ही डिपेंडेंट है अरुणाचल प्रदेश, तो जो भी वहाँ पे वेरियस एजेंसीज का जो अपना सब्जेक्ट्स होगा, आपको टाइमली यहाँ से हम लोग वर्चुअल मीटिंग के थ्रू से या फिजिकल मीटिंग के थ्रू से अपडेट किया जाएगा। और जिस प्रकार से आप पहले भी जो काम करके आया, उम्मीद है कि इस बार आप डबल ताकत लगा के और भी हम लोगों को काम करके दिल्ली का सहयोग, दिल्ली का पूरा आशीर्वाद मिलने में आपका बड़ा वहाँ पे एक सपोर्ट रहेंगे। तो इन्हीं जन शब्दों के साथ में आप सभी को आज यहाँ पे आया बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके किरण जी को और एक बार ढेर सारा शुभकामनाएं। जय हिंद।